Hi friends, today we are going through exercise 0 of MATLAB tutorial set. We will call this exercise as exercise 0 because in this exercise we will just focus on how to build GUI application. It has been observed that even PG students in most of the cases are not aware of developing GUI environment. Bina GUI ke bohut sari applications, almost 90% of applications cannot be completed as per requirement. But phir bhi is cheez ko throughout academics chhod diya jata hai. So let's focus initially on how to build basic GUI. Aap MATLAB shortcut double click karenge. The MATLAB screen will open for you. सबसे पहला काम without fail हमने ये करने को होना कि we should set the current folder. Because anything saved from this point onwards will be always by default stored in this path. System हमेशा इसी path को refer करेगी unless and until specified otherwise. अब GUI बनाने के लिए Go to File, New, GUI and ask the system to create a blank GUI for you. The MATLAB will provide a workspace जिसमें आप बाजू में दिए हुए करीबन 10-12 controls में से controls डाल सकते हैं. You can start with push button, slider, radio button, checkbox, edit box, text box, etc. आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग हमारे बनी हुई करीबन 10 से 12 एप्लीकेशंस दिखाएंगे जिसमें इन सारे कंट्रोल्स का एक्सटेंसिव यूज किया गया है. टू स्टार्ट विथ हम लोग 3 या 4 ऑप्शंस रख के देखेंगे. यू कैन पुट पुश बटन. किसी भी बटन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर मिलेगा. इसमें जाके आप कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज कर सकते हो. जैसे बटन के लिए बेसिक प्रॉपर्टी उसका लेबल या कैप्शन या स्ट्रिंग होगा. सो मैं उसको अगर सेव बटन बनाना चाहता हूं तो आई विल राइट स्ट्रिंग एज सेव एंड टैग एज BTN. रिमेंबर MATLAB इज केस सेंसिटिव एंड हेंस हर वेरिएबल या टैग जिस केस में लिखा गया है, जैसे S कैपिटल है तो S कैपिटल ही रहेगा, A भी E स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा. कोड लिखते वक्त केस सेंसिटिव ऑब्जेक्ट के नाम बहुत ध्यान से यूज करने होते हैं. अब अगर हम लोग एडिट बॉक्स डालना चाहे तो यू कैन पुट एडिट बॉक्स. अगर आप पॉपअप मेनू डालना चाहे तो आप पॉपअप मेनू डाल सकते हैं, लिस्ट बॉक्सेस डाल सकते हैं, एक्सिस कंट्रोल डाल सकते हैं, पैनल्स, बटन ग्रुप. हम लोग आने वाली एप्लीकेशन में ये सब देखेंगे. एडिट बॉक्स, अगर आपको इसका फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर ये सब चेंज करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे यहां बैकग्राउंड कलर व्हाइट था, यू कैन गो विथ से रेड कलर. आपको 8 के फॉन्ट का, इसका डिफॉल्ट फॉन्ट 8 है. अगर आपको ये फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहां पे नया फॉन्ट डाल सकते हैं. बोल्ड, डेमी, नॉर्मल, आपको किस तरह से कैरेक्टर्स चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं. बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहां से सेट की जा सकती है. नाउ द एडिट बॉक्स इज इन रेड कलर. इसका भी टैग एंड स्ट्रिंग कैन बी चेंज्ड. बाकी ऑब्जेक्ट्स हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में देखेंगे. एक बार स्क्रीन रेडी कर लेने के बाद जब आप इसे सेव करते हो तो सिस्टम आस्क्स फॉर अ नेम. वी विल राइट EX0. और जब मैं इसे सेव करता हूं तो ये दो फॉर्म्स सेव करता है, एक EX0 और उसके लिए एक .m या स्क्रिप्ट फाइल समान फाइल. ये स्क्रिप्ट फाइल ओपन फंक्शन से लेके सारे बेसिक कोड्स या फ्रेमवर्क जो इस फिगर फाइल को या फॉर्म को ड्राइव करने के लिए लगता है वो सारा बिल्ड कर लेता है. इसीलिए जब आप इसे रन करेंगे तो आपका स्क्रीन एग्जीक्यूट होगा जो आपने बनाया था. ऑपरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस पे कोड कुछ भी नहीं लिखा है, पहली एप्लीकेशन है. बट दिस इज हाउ
यू कैन क्रिएट अ GUI. इसमें लिखे आया हुआ कोड इसमें से एक भी लाइन हमने लिखी नहीं है, बट इसने जैसे पॉपअप मेनू का बैकग्राउंड कलर खुद ही ने सेट किया है, आप यहां से भी चेंजेस करके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हो. मैटलैब में एक दो कीवर्ड्स एच ऑब्जेक्ट, हैंडल्स, गेट, सेट, ये कुछ कीवर्ड्स है जो काफी फ्रिक्वेंटली आएंगे और हर स्टूडेंट को ये कीवर्ड्स बहुत अच्छे से यूज करते आने को होंगे. हम इनका यूज अगली एक्सरसाइज से देखेंगे. अगर मैंने एक बार ये एप्लीकेशन बना लिया, अब करंट फोल्डर में जाके अगर मुझे उस फिगर में कोई चेंजेस करने, इफ आई वांट टू एडिट द फिगर, यू कैन क्लिक ऑन फिगर एंड आस्क इट टू ओपन इट इन गाइड. जब आप किसी भी FIG फाइल को ओपन इन गाइड बोलते हैं, वो आपके लिए फिर से लेआउट ओपन कर देगा. यहाँ आपको और कुछ ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, किसी में एडिटिंग करना है, किसी को सरकाना है, ये आप फिर से कर सकते हो. यू कैन रीस्ट्रक्चर द स्क्रीन, यू कैन पुट न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड रीसेव इट. जब भी आप इसे सेव करोगे, करस्पॉन्डिंग चेंजेस उसकी .m फाइल में भी रिफ्लेक्ट होंगे. एंड दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ बेसिक GUI प्लेटफॉर्म फॉर योर एप्लीकेशन. इसका आगे क्या किया जाएगा ये हम लोग एक्सरसाइज 1 ऑनवर्ड्स 10 एक्सरसाइज में देखेंगे. थैंक यू.